कोरोना महामारी के दौरान ऑक्सीजन की कमी ने लोगों को सकते में डाल दिया है और हर कोई ऑक्सीजन को लेकर चिंतित नजर आ रहा है। बाराबंकी के एक गांव में ग्रामीणों ने ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने का एक अनोखा तरीका ढूंढ निकाला है। ग्रामीण इस अपनाए गए तरीके से काफी खुश और राहत महसूस कर रहे हैं। यह तरीका है गाँव में लगे पीपल के पेड़ के नीचे बैठने का। इस पीपल के पेड़ के नीचे पूरा गाँव एकत्र होता है और अपना खाली समय इसी पेड़ के नीचे व्यतीत करता है। ग्रामीणों का मानना है कि इससे उनके अंदर ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी क्योंकि पीपल का पेड़ उन्हें भरपूर ऑक्सीजन देता है। अब इसे कुदरत और प्रकृति के प्रति विश्वास कहें या फिर दिमाग में बैठा अंधविश्वास, कुछ भी हो मगर ग्रामीण इस तरीके से राहत महसूस कर रहे हैं। बाराबंकी जनपद के विकास खंड हरक के सोहिलपुर गांव में ग्रामीणों ने कोरोना के कारण लोगों में घटती ऑक्सीजन के लेवल के लिए एक अनोखा तरीका खोज निकाला है, या यूं कहें कि ऑक्सीजन के मामले में यह गाँव आत्मनिर्भर बन गया है। ग्रामीणों ने ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने का जो तरीका ढूंढा है वह गांव में लगा पुराना पीपल का पेड़। यह पेड़ वैसे तो काफी पुराना है लेकिन चर्चा में यह अब आया है। कोरोना की महामारी के दौरान ग्रामीण इस पेड़ के नीचे बैठकर अपने ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने का काम करते हैं। ग्रामीण इस पेड़ के नीचे बैठकर काफी राहत भी महसूस कर रहे हैं। इस पेड़ के नीचे लगभग पूरा गाँव आकर एकत्र होकर अपना खाली समय भी व्यतीत करता है और शरीर का ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ाता है। बाबा यहाँ क्यों बैठते हैं पीपल के पेड़ के इधर नीचे? हमको आराम मिलते हैं। अच्छा, बहुत हमको प्रसन्न रहते हैं और हमको यहाँ बहुत से आराम मिलती है और यहाँ हम बैठते हैं 3 घंटा 4 घंटा दोपहर खान बैठ रहते हैं तो यहाँ बहुत हमको आराम मिलता है। क्या मिलती है ऑक्सीजन यहाँ पे आप? आपको बहुत जो है हमको मिलती है। आप प्रवेश सोरे। अच्छा सुनील साहब, ये बताइए आप पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, क्या है इसके वजह क्या है, क्यों बैठे? देखिए अपने काम धाम से थोड़ा जब फुर्सत मिलती है तो 3 घंटे के तो हम लोग पीपल के नीचे पेड़ के नीचे बैठते हैं। इसका एक सबसे बढ़िया रीज़न ये है कि आज से नहीं आज काल से हमारे वैज्ञानिक ऋषि मुनि जितने हैं ये पीपल के फायदे बता रहे। इसमें अधिकतर बताया गया है कि देवी देवताओं का वास है। अच्छा, देवी देवताओं का वास होने के कारण हिंदू धर्म में यह स्थिति है कि इस पेड़ों को नहीं काटना चाहिए और इस वक्त कोरोना महामारी चल रही है और अधिकतर लोगों को ऑक्सीजन कमी हो रही है तो उस ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के हम लोग गांव वाले जिस बताई होते हैं तो यहाँ बैठते हैं। और ये बात तो सत्य है कि पीपल के पेड़ में ऑक्सीजन सबसे अधिक होती है। अच्छा, इसलिए हम यहाँ पर बैठते हैं। बहुत से ऐसे बुजुर्ग होंगे जो आपके गाँव में हैं वो भी आके ही बैठते हैं? जी बैठते हैं, दुकान में बैठते हैं। इस बार आज थोड़ा बारिश का माहौल इसलिए नहीं आया, काफ़ी लोग बैठते हैं।